दोस्तों, आजकल पशुपालन में एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है कि जो गाय भैंस है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं ज़्यादातर। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो हीट में नहीं आ रही है। हीट में आ रही है तो साइलेंट हीट में आ रही है, बोल नहीं रही है तो साइलेंट हीट में आ रही है, तो उसका पता नहीं चल पाता है कि वो कब हीट में आई और कब चली गई, कब उसको गैबिन करवाना था कब नहीं, तो पता नहीं चल पाता साइलेंट हीट का कि कब वो हीट में आई कब नहीं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में एक ऐसा घरेलू नुस्खा लेकर आया हूँ जिससे आपकी जो गाय भैंस है वो तुरंत हीट में आएगी और प्रॉपर हीट में आएगी और वो बोलेगी भी और प्रेग्नेंट भी 100% ठहरेगी। तो वो नुस्खा क्या है, कैसे वो देना है, वो सब कंप्लीट जानकारी आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शीशपाल मलिक और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा यूट्यूब चैनल टुडे फार्मिंग जोन। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके बाजू में जो घंटी का बटन दिखाई दे रहा है उसको दबाकर ऑल पर सेट कर ले, क्योंकि दोस्तों हम रोज़ाना अपनी वीडियो में डेयरी फार्मिंग या पशुपालन से संबंधित जो समस्याएं होती है उनके इलाज के जो देसी नुस्खे हैं वो बताते रहते हैं, और उससे आप कम से कम खर्च में अपने डेयरी फार्मिंग के बिजनेस से या पशुपालन से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो इसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो इस फॉर्मूले में दोस्तों हमें जो है 3 बड़े लहसुन चाहिए दोस्तों। लहसुन जो होता है दोस्तों, इसकी तासीर गर्म होती है और ये हमारे पशुओं को हीट में लाने के लिए बहुत ही अच्छा काम करते हैं दोस्तों। तो इसे जो है हमें इस्तेमाल करना है और इसके जो छिलके वगैरह हैं उसे हमें निकाल देना है दोस्तों, क्योंकि हमारे जो पशु हैं वो इनके छिलकों को कई बार हजम नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए जो है इसके छिलके को हमको निकाल देना है। जब लहसुन की सारी कलियाँ जो है अच्छे तरीके से छिल जाए दोस्तों, तो उसके बाद इसे जो है हमें अच्छे तरीके से कूटना है। तो उसके लिए आप जो है इस तरीके की कूटनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो जो है आप इसे सिलबट्टे पर भी पीस सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों हमें लेना है लगभग 8 से 10 भीगे हुए छुहारे। ये जो छुहारे दोस्तों, इसको जो है मैंने 1 से 2 घंटा पहले जो है कूट करके इनके जो है बीज को निकाल दिया था और पानी में डुबा कर रख दिया था। तो इस तरीके से आपको भी तैयार कर लेना है और उसके बाद इसे डाल करके अच्छे तरीके से कूटना है, बिल्कुल पेस्ट जैसा तैयार करना है दोस्तों, जिसे हम जो है घरेलू तौर पर चटनी कहते हैं, उसी तरीके से हमें जो है इसे बनाना है दोस्तों। जो छुहारे होते हैं दोस्तों, इसमें कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जिसके कारण से हमारे पशुओं को जो है हीट में आने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है, इसलिए हम जो है छुहारे का इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं दोस्तों। तो ऐसे ही जो है आपको भी अच्छे तरीके से पीस लेना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये अच्छे तरीके से पीस चुका है, इतना ही इसे पीसना है। आप चाहे तो जो है इसे और भी ज़्यादा पीस सकते हैं। और उसके बाद इसे जो है बर्तन में ले लेना है। और उसके बाद दोस्तों हमें लेना है लगभग जो है 1 पाव के आसपास हमें जो है एलोवेरा लेना है। और ये जो एलोवेरा है दोस्तों, इसका इस्तेमाल यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हम लहसुन और छुहारे का उपयोग यहाँ पर कर रहे हैं उसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है, जिसके कारण से जो है हमारे पशुओं के पेट में जो है कुछ हानिकारक प्रभाव होते हैं, तो उसको जो है दोस्तों ये ठीक करने का काम करता है। तो इसलिए जो है दोस्तों इस फॉर्मूले में इसका इस्तेमाल करना है। और इसके जो जेल वाला भाग है, यानी जो गुदा वाला भाग है दोस्तों, उसी का ही हमें इस्तेमाल करना है और उसको अच्छे तरीके से निकालना है। लगभग जो है उसकी मात्रा 200 ग्राम के आसपास होनी चाहिए। और उसके बाद दोस्तों इसे जो है हमें अच्छे तरीके से पीसना है ताकि इसका जो है एक अच्छा सा जूस जैसा तैयार हो सके। तो चलिए इसे जो है मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेते हैं। तो मात्र इसे जो है दोस्तों मैंने 2 मिनट पीसा है और आप देख सकते हैं इसका जो है एक अच्छा सा जूस तैयार हो गया है। तो चलिए इसे जो है इसमें डाल देते हैं। और उसके बाद दोस्तों हमें लेना है 1 साबुत जायफल। ये जो जायफल होता है दोस्तों, इसकी भी तासीर गर्म होती है और ये हमारे पशुओं को हीट में लाने के लिए दोस्तों रामबाण दवा है। इसके कारण से जो है हमारे पशु जो है बहुत ही जल्दी हीट में आ जाते हैं दोस्तों, तो इसका जो है इस्तेमाल करना है। लेकिन इसे जो है दोस्तों हमें अच्छे तरीके से आग में भूनना है, कच्चा इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। और जब ये अच्छे तरीके से आग में भून जाए
तो उसके बाद जो है दोस्तों इसे हमें अच्छे तरीके से कूटना है ताकि इसका जो है पेस्ट जैसा तैयार हो सके। तो चलिए इसे जो है हम अच्छे तरीके से कूट लेते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इतना मैंने इसे कूट लिया है, आपको भी इस तरीके से कूटना है और उसके बाद जो है मिश्रण में डाल देना है। तो अब सभी सामग्रियों को अच्छे तरीके से मिलाना है दोस्तों ताकि एक समान मिश्रण इसका तैयार हो सके। और अब हम इसे जो है अपनी गाय और भैंस को दे सकते हैं। तो इसे देने का तरीका ऐसा दोस्तों कि इसे जो है हमें अपनी गाय और भैंस को दिन में एक बार देना है। सुबह सुबह जब दाना चारा खा करके आराम से बैठ जाए तब इसे दे देना है। और इसी तरीके से दोस्तों आपको जो है लगातार 4 से 5 दिनों तक करना है, जिससे हमारी जो गाय और भैंस है बहुत ही आसानी से घरेलू तरीके से जो है हीट पे आ जाती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और ऐसी जानकारियां और भी चाहते हैं आप तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली ऐसी जानकारियां हम आप तक पहुंचा सकें सबसे।